ओके, यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस नॉलेज पार्क पुलिस, सॉरी, आप नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन से हो? यस सर। हाँ, और इनको जानते हो आप जिनको लेके आए? यस सर। क्या नाम है उनका? इनका नाम है राम कुमार, ये अंशुल के पिताजी हैं। राम कुमार जी सर। और आपके पास क्या कंप्लेंट थी, क्यों आप लोग यहाँ कदम कुआ आके लेके गए लड़की को साथ में? सर, इसमें 12 तारीख को ये अंशुल कॉलेज गई थी सर। हाँ हाँ। उसके बाद फिर ये घर नहीं पहुँची। 13 तारीख को ये थाने पे आए, एक गुमशुदगी दर्ज करवाई इन्होंने। ओके, एक थोड़ा मैं उनसे भी पूछ लेता। आइए सामने, आप जी सब सामने आइए। लड़की आपकी है? जी जी। अंशु जी, तो आपने FIR किया, रिपोर्ट दर्ज किया था उधर गुमशुदगी 12 को सुबह मैंने कॉलेज छोड़ा था बेटी को अपनी गाड़ी से। कौन से कॉलेज में पढ़ती थी वो? शारदा यूनिवर्सिटी में। वहाँ नोएडा में? हाँ जी, नोएडा में। एक मिनट, वो दरोगा साहब, आप ये देखिए कि आपके वकील यहाँ पे होना चाहिए। अब आप तो यूपी से वकील नहीं ला सकते, एक स्टेट ऑफ बिहार के वकील साहब है सर। तो इनको आप इंस्ट्रक्ट कीजिए, आपका ऑफिस का लेटर दीजिए इनको सर। ये जो DGP वगैरह जिनका आया हो सर, ताकि ये सब चीजें यहाँ पे बताएंगे, जो आपको बताना है, एफिडेविट करना है सर, वो यहाँ पे करेंगे ना। जो आपके पास FIR आया होगा, आपने टीम डेप्यूट किया होगा, लेके गए होंगे लड़की, वो सब यहाँ पे आना चाहिए, वो वकील साहब करेंगे। ओके, तो उनको आप आपके ऑफिसर को कम्युनिकेट कीजिए, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या जो भी आपका तो संबंधित है, कमिश्नर ऑफ पुलिस भी है इसमें पार्टी, तो वकील साहब को इंस्ट्रक्ट कीजिए बोलना, या फिर आपको आपके एडवोकेट लेके आना है यहाँ पे, तो अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता वो भेजेंगे। इफ इट मे प्लीज योर लॉर्डशिप, माय लॉर्ड, 1 week टाइम मे बी ग्रांटेड। फॉर व्हाट पर्पस मैडम? माय लॉर्ड, सर्विस रिपोर्ट फ्रॉम OP नंबर 4 हैज येट नॉट रिसीव्ड, वी हैव नॉट पुट अप आफ्टर सर्विस। आई हैव वन इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द केस माय लॉर्ड। यस। Sub Inspector of Greater Gautam. No, what is this case? Can you tell us what is this case? Two adults, they were studying together and they got married. Okay. On 12th September, and on 14th September, SHO from Knowledge Park Police Station, Noida, they came and took the girl with them forcefully. Mm-hmm. Back her home. From where? From Kadam Kuan, where the boy. From this Patna. Ji. Okay. Yes. And the girl is with her parents. So okay. She is major. Yes, ma'am. She was in company with your client. With the boy. Okay. My only submission, my lord, that the UP one officer, my lord, at the rank of sub inspector, my lord, he has come just outside the court. The father of the girl is also with him, my lord. एक कौन है वो सिपाही भेजो कुछ बात, नाम बताइए आप। Why he is out of the court? And her father is made party? No, my lord. Her father, neither is her father, my lord, nor the corpus. Okay. But he has information about the case, my lord. He has. Bula, ye kon hai? Kon hai? Ye ladki ke father hua. Father hai. Father. Okay. Aur inko kon saath mein aaye? Yes. Aap aaiye thoda sa. आपका शुभ नाम? विपिन कुमार। विपिन कुमार जी सर। आप कहाँ से हो? किस थाना से? मैं थाना नॉलेज पार्क, गौतम बुद्ध नगर। विपिन कुमार, पुलिस स्टेशन? थाना नॉलेज पार्क। क्या है लिख के दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैडम, आपने कदमपुआ पुलिस स्टेशन को पार्टी नहीं बनाया इसमें? हाँ 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 हाँ, स्टेशन हाउस ऑफिस। ओके, यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस नॉलेज पार्क पुलिस, सॉरी, आप नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन से हो? यस सर। हाँ, और इनको जानते हो आप जिनको लेके आए? यस सर। क्या नाम है उनका? इनका नाम है राम कुमार, ये अंशुल के पिताजी हैं। राम कुमार जी सर। और आपके पास क्या कंप्लेंट थी, क्यों आप लोग यहाँ कदम कुआ आके लेके गए लड़की को साथ में? सर, इसमें 12 तारीख को ये अंशुल कॉलेज गई थी सर। हाँ हाँ। उसके बाद फिर ये घर नहीं पहुँची। 13 तारीख को ये थाने पे आए, एक गुमशुदगी दर्ज करवाई इन्होंने। ओके, एक थोड़ा मैं उनसे भी पूछ लेता। आइए सामने, आप जी सब सामने आइए। लड़की आपकी है? जी जी। अंशु जी, तो आपने FIR किया, रिपोर्ट दर्ज किया था उधर गुमशुदगी 12 को सुबह मैंने कॉलेज छोड़ा था बेटी को अपनी गाड़ी से। कौन से कॉलेज में पढ़ती थी वो? शारदा यूनिवर्सिटी में। वहाँ नोएडा में? हाँ जी, नोएडा में। ओके, ओके। जी आप मिस्टर प्रोसिक्यूटर, व्हाई डोंट दे एंगेज यू सो दैट यू विल बी इन अ पोजीशन टू प्लेस ऑल दीज थिंग्स ऑन रिकॉर्ड? यू कैन कॉन्टेक्ट, आपको प्रोसिक्यूटर आपके तो यहाँ है नहीं बिहार में, समझे ना आप?
आपको किसने डेप्यूट किया है यहाँ पे? नहीं नहीं, आपके कोई ऑफिसर ने डेप्यूट किया होगा ना यूपी के? यस सर। तो उनको भी बताइए कि यहाँ के सरकारी वकील साहब को एंगेज कीजिए। ये सब चीजें कौन आप तो नहीं बता सकेंगे ना पूरी चीज। आई विल एडवाइज द प्रोसीड्योर माय लॉर्ड, आई विल ऑब्टेन वकालत, कांटेक्ट दिस यूपी पुलिस। यस माय लॉर्ड, गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देम, यू कैन रिप्रेजेंट देम वेरी वेल बिकॉज दे मे नॉट सेंड देयर प्रोसिक्यूटर हियर, दे विल एंगेज यू ऑफिशियली एंड यू रिप्रेजेंट देम एंड पुट ऑल दिस फैक्ट्स ऑन एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट ऑफ यूपी। I ask them, my lord, to give vakalatnama to me, my lord, for appearance of Uttar Pradesh, my lord. Or my lord, vakalatnama in government, vakalatnama will not do. Even your memo of appearance is sufficient on their instruction. My lord, why vakalatnama is required? They never execute any vakalatnama. My lord. Just they should instruct you by letter or something that you represent state of UP. Or my lord, on the next date, my lord, may I submit one? Wait a minute. Oh, Daroga sahab, आप ये देखिए कि आपके वकील यहाँ पे होना चाहिए। अब आप तो यूपी से वकील नहीं ला सकते, एक स्टेट ऑफ बिहार के वकील साहब है सर। तो इनको आप इंस्ट्रक्ट कीजिए, आपका ऑफिस का लेटर दीजिए इनको सर। ये जो डीजीपी वगैरह जिनका आया हो सर, ताकि ये सब चीजें यहाँ पे बताएंगे। जो आपको बताना है, एफिडेविट करना है सर, वो यहाँ पे करेंगे ना। जो आपके पास FIR आया होगा, आपने टीम डेप्यूट किया होगा, लेके गए होंगे लड़की, वो सब यहाँ पे आना चाहिए, वो वकील साहब करेंगे। ओके, तो उनको आपके ऑफिसर को कम्युनिकेट कीजिए, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या जो भी आपका तो संबंधित है, कमिश्नर ऑफ पुलिस भी है इसमें पार्टी, तो वकील साहब को इंस्ट्रक्ट कीजिए बोलना। या फिर आपको आपके एडवोकेट लेके आना है यहाँ पे, तो अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता वो भेजेंगे। साहब को आप एंगेज कीजिए सर, कब तक कर सकेंगे ये सब चीज़ें? आपको एफिडेविट भी देना पड़ेगा। आप Yes, Mr. Prosecutor, it will be better if you contact at least Commissioner of Police Gautam Buddhanagar and apprise him of what court has instructed. I will take phone number just now, my lord, yes. After the proceeding, my lord, and talk to him, my lord. So or my lord, on the next date. Keep it back for some time so that he has came long way from. The father of the corpus, my lord, prayed for work on the next day, my lord. He is eager to produce before the. We will adjourn it for next day, but yes, at least you can do all these things of formalities today, and you can report back after some time that these formalities are over, and you will be in a position to file affidavit by whatever date you want and he wants, so that we will keep that matter on that day. This matter on that day. Otherwise, if we adjourn it for next week, and all these compliances cannot be done in this one week. Yes, ma'am. His journey will be. Some time may kindly be given, my lord. I just go just out the court and after 1 hour, 2 hours, whatever it is, sir. Huh? At my lord, 12 o'clock, my lord. No problem. आप वकील साहब से बात कीजिए, आपके साहब लोग उनको से उनकी बात करवा दीजिए, ठीक है, और फिर नेक्स्ट डेट तब देते हैं। अदरवाइज आप नेक्स्ट डेट दे दिया तो कोई उसका ये नहीं होगा, यूज नहीं होगा। इफ यू गेट इंस्ट्रक्शन टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ यूपी, देन यू ऑल्सो You can also waive notice of unserved respondent. Some respondent number 4. Who is respondent number 4, madam? DGP. DGP. You can waive notice for DGP also then. DGP Uttar. We will take up the matter at 12. Under heading for orders on petitions, CL number 2.